राजस्थान के उदयपुर में मार्बल कारोबारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मार्बल कटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उपायों का ऐलान करेंगी। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि GST दरें कम की जाएं। उदयपुर या ये क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र मार्बल के उद्योग में काफ़ी अग्रणी था, जिसमें GST वगैरह कुछ समय पहले काफ़ी कम लगती थी। जब से GST का प्रावधान हुआ और 27% से बाद में डिमांड करने के बाद 18% आई, परंतु उससे 18% के बाद भी बिजनेस ऐसा ख़त्म होता गया कि आदमी सर्वे ही नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेसमैन कई उद्योग बंद हो गए। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ GST में कम करें ताकि लोग चोरी भी कम करें और अपने बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। कुछ व्यापारियों का कहना है कि मार्बल ब्लॉक्स पर इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। सरकार से हमको ये चाहिए कि जो पहले एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की पॉलिसी थी, उसको इन्होंने सरकार ने कुछ साल पहले ओपन पॉलिसी में कर दिया था, जिससे कि इंडस्ट्री में वो नहीं आए मार्बल के इंपोर्ट के ब्लॉक्स वगैरह, हमारे को जो खरीदने की स्वतंत्रता थी वो ख़त्म हो गई। अगर ये पॉलिसी वापस ख़त्म कर दी जाए, ओजी पॉलिसी और रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी लाइसेंस पॉलिसी चालू कर दी जाए, तो डेफिनेटली ये वापस से ये उद्योग पनपने लगेगा और जो इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार का लगा हुआ है, उद्योगों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो लगा हुआ है, वो वापस से चालू हो जाएंगे उद्योग। मार्बल व्यापारी सिंगल विंडो सिस्टम की मांग कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं करोगे, विकास आपका होगा नहीं। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इश्यूज है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, कम से कम एक डिपार्टमेंट को, एक क्लियर को लेने के लिए 20 डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता है। ये जब तक आप वन विंडो सर्विस को नहीं लागू करेंगे कि एक जगह बैठे और एक जगह से सभी डिपार्टमेंट का बजट एक ही टाइम में हो गया और विद इन टाइम अमाउंट हो गया, तो बाकी अदरवाइज सब कागजों में रह जाएगा। तो जब आपको डेवलपमेंट और विकास करना है, इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो उसके लिए वन विंडो सर्विस करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 7वां बजट पेश करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।